बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज हमारा सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। सोशल स्टडीज़, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम पाकिस्तान का मुतालिया करते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सोशल मीन माशर्ती, स्टडीज़ मीन मुतालिया। सोशल स्टडीज़ माशर्ती मुतालिया, यानी कि मुतालिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुतालिया। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 1 की फर्स्ट हाफ रीडिंग की थी। यूनिट नंबर 1, पाकिस्तान, इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, इनके पाकिस्तान का माजी और इसकी मौजूदा सूरत हाल। पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सूरत हाल क्या थी और पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ के लोगों ने कैसे ज़िंदगी गुजारना शुरू की। आइए, आज हमारे पास जो लेसन नंबर इस लेसन की लास्ट हाफ रीडिंग है उसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लेसन की रीडिंग कर लेते हैं, देन इसको एक्सप्लेन करेंगे ट्रांसलेशन के साथ। हिंदुस्तान डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स विद द एफर्ट्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिना इन 14 अगस्त 1947, एंड अ न्यू कंट्री कम इंटू बींग विद द नेम ऑफ पाकिस्तान। हिंदूज डू नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान विद देयर हार्ट्स, नेवर एवर। आवर अनसेस्टर्स गेव अ लॉट ऑफ sacrifices to get this homeland. Most of the Muslims were become martyr students. ये वर्ड है हमारे पास MARTYR. Muslims faced all these troubles for getting freedom and got a separate homeland for them. Now it is our duty that we do work hard for the progress and prosperity of our homeland. We have to stand our country in the line of progressive countries. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah lived only 1 year and 27 days after Pakistan came into being. During this period, he was also struggling for Pakistan's progress. We should that we get higher education, use this education for the development of Pakistan. Government is doing work on different projects to run the country on progressive way. Our different friends, country cooperate in it. Pakistan has become an atomic power by doing atomic blast on 28 May 1998. These blasts were done in the reaction of India's atomic blasts. It is pray from Allah. Students, यहाँ पर लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर आएगा जल्लल्लाहु, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं SWT, अल्लाह सुबहाना व ताला हु, दैट ही सस्टेन पाकिस्तान एवर, आमीन। आइए स्टूडेंट्स, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। हिंदुस्तान डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विद द एफर्ट्स ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इन 14 अगस्त 1947, एंड अ न्यू कंट्री कम इनटू बीइंग विद द नेम ऑफ पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से हिंदुस्तान को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया 14 अगस्त 1947 को, और एक नया मुल्क पाकिस्तान के नाम से मार्ज़े वजूद में आया। हिंदूज डू नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान विद देयर हार्ट्स, नेवर एवर। एक्सेप्ट मीन कबूल करना, नेवर एवर कभी भी नहीं। हिंदुओं ने पाकिस्तान को कभी भी दिल से कबूल नहीं किया। आवर अनसेस्टर्स,
गेव अ लॉट सेक्रीफाइसिस टू गेट दिस होमलैंड। हमारे जो अबाऊ अजदाद थे, हमारे बुजुर्ग जो थे, यानी कि बाप दादा की जो कौमें पिछले जो लोग थे, गेव अ लॉट सेक्रीफाइसिस, सेक्रीफाइसिस मीन कुर्बानियाँ, उन्होंने ये वतन हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर बिकम मर्टायर, मर्टायर मीन शहीद। बहुत से मुसलमान जो है वो शहीद भी हुए। मुस्लिम्स फेस्ड ऑल दिस ट्रबल्स फॉर गेटिंग फ्रीडम एंड गॉट अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए इन तमाम मुश्किलात का सामना किया और एक अलग वतन अपने लिए हासिल किया। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी, अब ये हमारा फ़र्ज है, दैट वी डू वर्क हार्ड फॉर द प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर होमलैंड, कि हम अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। वी हैव टू स्टैंड आवर कंट्री इन द लाइन ऑफ प्रोग्रेसिव कंट्रीज़। प्रोग्रेसिव मीन होता है स्टूडेंट्स तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ में ममालिक, यानी कि हमें अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की लाइन में खड़ा करना होगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिव्ड ओनली 1 year and 27 days आफ्टर पाकिस्तान केम इन टू बींग। चूँकि पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक कोशिशों की वजह से बना और पाकिस्तान बनने के 1 year and 27 days तक जो है वो आप ज़िंदा रहे, उसके बाद आप इस जहां फाने से कुछ फरमा गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर पाकिस्तान प्रोग्रेस। ये पाकिस्तान बनने के बाद ये जो 1 year and 27 days का दुरानिया था, इस दुरानिए में भी आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिशें करते रहे। वी शुड, हमें चाहिए कि दैट वी गेट हायर एजुकेशन, हम आला से आला तालीम हासिल करें। यूज़ दिस एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस तालीम को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। स्टूडेंट्स, जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतना ही हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अभी हमारा मुल्क जो है स्टूडेंट्स वो तरक्की याफ्ता ममालिक की लाइन में खड़ा नहीं है, ये पसमानदा इलाकों में जो है वो पसमानदा ममालिक में काउंट होता है। इसकी सबसे बड़ी जो है वो मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जिसकी वजह से जो है, जिस वजह से हमारे मुल्क में जो आवाम है वो ज़्यादातर एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है। गवर्नमेंट इज़ डूइंग वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स टू रन द कंट्री ऑन प्रोग्रेसिव वे। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता ममालिक के रास्ते में चलाने के लिए, उसकी राह में लाने के लिए मुख्तलिफ़ मंसूबे चला रही है। आवर डिफरेंट फ्रेंड्स कंट्री कोऑपरेट इन इट, हमारे जो मुख्तलिफ़ दोस्त ममालिक हैं वो भी हमारी इसमें मदद कर रहे हैं, तआवुन कर रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ बिकम एन एटॉमिक पावर बाय डूइंग एटॉमिक ब्लास्ट ऑन 28 May 1998। पाकिस्तान 28 May 1998 को एटमी धमाका करने की वजह से एक एटमी ताकत बन चुका है। दीज ब्लास्ट, ये जो 28 May 1998 में ये जो ब्लास्ट किया गया, ये ब्लास्ट वर डन इन द रिएक्शन ऑफ इंडियाज़ एटॉमिक ब्लास्ट, ये हिंदुस्तान के एटमी धमाके की रद्द अमल की सूरत में किया गया। इट इज़ प्रे फ्रॉम अल्लाह, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं डैट के ही सस्टेन पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान को कायम और दायम रखे एवर, हमेशा, आमीन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारी यहाँ तक रीडिंग थी। आइए अब इस लेसन के PAST पास्ट, पास्ट मीन माजी, इनके गुजरा हुआ ज़माना, गुजरा हुआ वक्त। HELD हेल्ड, हेल्ड मीन मुनक्कद की, इनके कायम की। HIS history, TORY history, हिस्ट्री मीन तारीख, इनके माजी का मुतालिया। NEIGHBOUR नेबर, नेबर मीन हमसाया। ENTERED entered, entered मीन दाखिल हुए। RULED ruled, ruled मीन हुकूमत की। ALL MOST most, almost, almost मीन तकरीबन। स्टूडेंट्स यहाँ पर ऊपर आएंगी दो जबर। SPENT spent, spent मीन गुजारना। CENTURY सेंचुरी, सेंचुरी मीन सदी, इनके 100 साल के बराबर जो होता है। OVER over, THROW थ्रो,
ओवरथ्रो शिकस्त देना आर ई री एल एल ई रिली जी आई ओ यू एस जी एस रिलीजियस मजहबी ए जी ए आई एन टी एस टी एस अगेंस्ट खिलाफ ए डबल आर आई वी ई अराइव आना या पहुंचना आई डी ओ एल आइडल आइडल मीन बुध ई एन टी आई आर ई इंटायर इंटायर मीन पूरा एफ आर डबल ई फ्री डी ओ एम डम फ्रीडम फ्रीडम इन आज़ादी सी ओ एन एस आई कंसी डी ई आर ई डी डर्ड कंसीडर्ड समझा जाता एल ई ए डी ई आर एस लीडर्स रहनुमाओं एस यू डबल सी डबल ई डी सक्सीड कामयाब होना पी आर ए वाई प्रे दुआ करना ई एफ ओ आर टी एफर्ट एफर्ट मीन कोशिश यू एन आई टी ई यूनाइट मुतहिद होना यानी कि एक होना एफ ओ यू जी एच टी फॉट फॉट मीन लड़ी फाइट की सेकेंड फॉर्म है ए एन सी ई एस अनसेस टी ओ आर एस टर्स अनसेस्टर्स अबाउ अजदाद यानी के बुजुर्ग जो हमारे बाप दादा के जमाने के जो लोग थे एस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेस कामयाबी पी आर आई एन प्रिंस सी आई सी प्रिंसी पी एल ई एस पल्स प्रिंसिपल्स उसूल आइए स्टूडेंट्स अगेन वर्ड्स मीनिंग को रीड कर लेते हैं विदाउट स्पेलिंग सिचुएटेड वाक्या पर्पस मकसद ब्रोशर रिसाला या किताबचा प्रेजेंट मौजूदा वक्त पास्ट माजी हेल्ड मुनक्कद की हिस्ट्री तारीख नेबर हमसाया एंटर्ड दाखिल हुए रूल्ड हुकूमत की ऑलमोस्ट तकरीबन स्पेंट गुजारना सेंचुरी सदी ओवरथ्रो शिकस्त देना रिलीजियस मजहबी अगेंस्ट खिलाफ अराइव आना या पहुंचना आइडल बुध इंटायर पूरा फ्रीडम आज़ादी कंसीडर्ड समझा जाता लीडर्स रहनुमाओं सक्सीड कामयाब होना प्रे दुआ करना एफर्ट कोशिश यूनाइट मुतहिद होना फॉट लड़ी अनसेस्टर्स अबाउ अजदाद या बुजुर्ग सक्सेस कामयाबी प्रिंसिपल्स असूल स्टूडेंट्स ये थे हमारे लेक्चर नंबर 1 में इसके फर्स्ट हाफ जो है वो लेसन की रीडिंग के वर्ड्स मीनिंग स्टूडेंट्स आपने इस लेसन की अच्छे से फर्स्ट हाफ रीडिंग करनी है और इन टफ वर्ड्स के मीनिंग को अच्छे से याद करना है विद स्पेलिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस लेसन की लास्ट हाफ रीडिंग के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स इस वीडियो को ओपन करने के बाद आप AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़